हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद सिड। चलिए आज जानते हैं बहुत सी अच्छी अच्छी धांसू धांसू ऐप। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मोबाइल से अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं? क्या पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। चलिए मैं दिखाता हूँ टिप नंबर और ट्रिक नंबर पहली। तो हमें क्या करना है, पहले हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप उसमें डालेंगे इंस्टेंट हार्ट रेट। जैसे ही आप डालेंगे, ऐप आपका खुल जाएगा, और ये ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप जाएंगे उस पर और इसको डाउनलोड कर लेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे, इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले इंस्टॉल करने के बाद, अब देखिए इंस्टॉल मैंने कर दिया, अब इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका ऐप ये देखिए आ गया स्क्रीन पे। अब देखते हैं, सारी चीज़ को नेक्स्ट कर लीजिए। आप सारी चीज़ नेक्स्ट हो गई, उसके बाद सारी सेटिंग को इनेबल कर लीजिएगा। इसमें लिखे लिखा है हाउ टू मेजर, देखिए ये है, आप सारी सेटिंग को इनेबल कर लीजिए। देन देख सकते हैं, मैंने आपको लाइव दिखाया है कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने बैक कैमरे को अपनी फिंगर टिप से कैमरे की तरफ रखना है, ठीक है? इसको आपने इस तरह से रख लेना है। उसके बाद देखिएगा, थोड़ी देर बाद आप अपना हार्ट रेट कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए अभी आपके सामने ही आ जाएगा, 76 BPM चल रहा है हमारा हार्ट रेट। देखिए सामने बिल्कुल 79, 81। जब ये सर्कल फिल हो जाएगा, ये आपका एग्जैक्ट हार्ट रेट बता देगा। देखिए मेरा है BPM 81, देखिए आपके सामने, ठीक है। चलते हैं टिप नंबर और ट्रिक नंबर टू पे। आपने सभी लोगों ने यूज़ किया होगा गूगल का कीबोर्ड, किया होगा और करते भी होंगे। तो चलिए उसकी एक ट्रिक जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसको करते हैं, अपने मोबाइल को खोलते हैं और उस पर टेक्स्ट लिखते हैं कुछ भी। जैसे मैंने लिखा आई एम ट्राइंग दिस ऑन गूगल कीबोर्ड, गूगल कीबोर्ड बिकॉज दिस इज द बेस्ट कीबोर्ड, ठीक है। मैंने टाइप कर लिया। अब हमें करना है क्या, इसका ट्रिक देखिए। आप पहला के देख रहे होंगे वो स्मॉल लेटर में, कुछ लोग स्मॉल लेटर को मतलब पहला अक्षर को आप बड़ा कर सकते हैं इसमें, देखिए मैंने किया। उसके लिए आपको शिफ्ट दिख रहा होगा, शिफ्ट का बटन नीचे, शिफ्ट को दबाना है एक बार, तो आपका जो पहला अक्षर होगा वो आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर आपको सेंटेंस में करना है तो आप पूरा सेंटेंस सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे शिफ्ट दिख रहा होगा, शिफ्ट बटन को दो बार टैप करेंगे तो वो सारा वर्ड आपका कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। ये देखिए सामने, अब मैंने इसको सारा सेलेक्ट कर लिया एक बार में। देखिए आपके पास लाइव प्रूफ, और उसको दो बार मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये पूरा सेंटेंस आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। चलिए चलते हैं टिप नंबर थ्री पे। टिप नंबर थर्ड हमारी है गूगल फोटोज। गाइस, गूगल फ़ोटोज़ को हम अपने मतलब किसी के भी मोबाइल से हम अपने उसकी गूगल फ़ोटोज़ को अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको पता भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल को लेना है और गूगल फ़ोटोज़ पे जाना है। गूगल फ़ोटोज़ पे आप जैसे ही जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जाना है गूगल फ़ोटोज़ पे, और उसकी फ़ोटो सेटिंग्स पे जाना है। फ़ोटो सेटिंग्स के बाद आप देखेंगे शेयरिंग का ऑप्शन, शेयरिंग ऑप्शन पे देखेंगे पार्टनर शेयरिंग, ठीक है। इसमें लिख के आया शेयर योर लाइब्रेरी। अब देखिए ऊपर लिख के आ रहा है टू। अब जिसे आपको ये गूगल्स फ़ोटोज़ चाहिए किसकी भी आईडी पे, तो उस पर अपना आईडी टाइप कर लीजिए। जैसे ही आप आईडी अपनी टाइप करेंगे, देखिए आपके पास टाइप करने के बाद आप उसको नेक्स्ट करेंगे। देखिए मैं अपनी आईडी टाइप कर रहा हूँ, मैं अपने ही पे इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको, और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा इसको, देखिए पास मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसको मैं अलाउ कर लूँगा।
और उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फ़ोटोज़ उसके पास शेयर हो गई हैं। ये देखिए बस नोटिफिकेशन आई है। चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। ट्रिक नंबर 4 हमारा क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल मैसेज करने का तरीका। सिंपली अपने जीमेल अकाउंट पे जाना है और वहाँ पर कंपोज मैसेज का आपको बटन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, कंपोज करेंगे मैसेज। जैसे ही कंपोज करेंगे आपको ऊपर 3 डॉट्स दिखेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कॉन्फिडेंशियल मोड। आप कॉन्फिडेंशियल मोड पे करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे सेट एक्सपायरी। आप किसी को भी भेज सकते हैं मैसेज कि आपका मैसेज उसके पास जाए और इतने दिन बाद वो एक्सपायर कर जाए, 1 वीक बाद या 7 डेज बाद या 1 डे बाद। उसके बाद आप अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं ताकि वो आपका मैसेज आगे कोई भेज ना सके और आपका मैसेज बिल्कुल प्राइवेट और सुरक्षित रहे, ठीक है, और आगे किसी को मैसेज ना कर सके वो इंसान। तो अपना टाइम पीरियड भी सेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा गाइस ये मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।